नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक अदर स्पेशल पर्पस डायोड की, दैट इज नोन एज शॉटकी डायोड। एक नॉर्मल पीएन जंक्शन में क्या प्रॉब्लम थी? एक नॉर्मल पीएन जंक्शन में जब हम नॉर्मल पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड से रिवर्स करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो सडनली ऑफ नहीं हो पाता। दैट मीन्स कि जब हम किसी पीएन जंक्शन पर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो इस हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ के लिए तो ये डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड क्या है, प्रॉपर फॉरवर्ड बायस वर्क करता है। पर जैसे ही सडनली उसकी क्या आती है, नेगेटिव हाफ, तो उस नेगेटिव हाफ के लिए ये पीएन जंक्शन डायोड सडनली ऑफ सिचुएशन में नहीं आ पाता। सो ऐसे सिचुएशन में ये एज अ ऑन डायोड ही क्या करता है, वर्क करता रहता है। दैट इज़ वाई नॉर्मली जब हम हाई फ्रिक्वेंसी एक पीएन जंक्शन पर अप्लाई करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में पीएन जंक्शन डायोड दोनों ही कंडीशन में, यानी एसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों ही हाफ के लिए क्या करता है, एज अ ऑन सिचुएशन बिहेव करता है। सो ऐसे इसमें क्या होगा कि जब उसे ऑफ होना था नेगेटिव हाफ में, तब भी वो क्या कर रहा है, ऑन है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें आउटपुट पर प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पाता। सो अब ये ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू डिप्लीशन लेयर के कारण। अब डिप्लीशन लेयर के कारण दैट मीन्स कि जब हम किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होने लगती है, कम होने लगती है। क्लियर है? सेम एज वहाँ पर चार्ज जाकर क्या होता है, आयन्स में कन्वर्ट होते हैं, तो वहाँ पर चार्ज स्टोर रहता है। जैसे ही हम इसे रिवर्स बायस कर दें, तो ऐसे सिचुएशन में रिवर्स बायस के केस में क्या हो जाएगा कि जैसे ये रिवर्स होगा, तो आपका जो डायोड है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। पर चूंकि चार्ज कैरियर क्या है, वो इतने एक्साइटेड हैं कि वो क्या करते हैं, वो जंक्शन पर जाकर डिफ्यूज़ होते हैं। उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है, इसलिए वो रुक नहीं पाते और जंक्शन पर जाकर क्या होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं। आफ्टर दैट जैसे वो डिफ्यूज़ होते हैं, सेम एज डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या है, वहाँ पर चार्ज कैरियर स्टोर होते हैं, तो वो बहुत धीरे धीरे क्या होता है, डिस्चार्ज होते हैं। इसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता रहता है। दैट मीन्स कि रिवर्स बायस में भी हमारा पीएन जंक्शन एज अ फॉरवर्ड बायस बिहेव करने लगता है। क्लियर है? सो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए डॉक्टर शॉटकी ने एक और डायोड इन्वेंट किया, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉटकी डायोड कहते हैं। इस डायोड को हॉट कैरियर डायोड भी कहा जाता है, इसे शॉटकी बैरियर डायोड भी कहा जाता है। नाउ अब इस डायोड को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, तो इस डायोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए जनरली हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, यूजुअली वो एन होता ही है, पर सम टाइम कभी कभी वो क्या हो सकता है, पी भी हो सकता है, पर मैक्सिमम टाइम ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, इट इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को मेटल के साथ क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, यानी मेटल के साथ उसे कनेक्ट किया जाता है। अब ये जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, जब मेटल से कनेक्ट होता है, तो जनरली ये जो मेटल है, ये मेटल टंगस्टन हो सकती है, इट विल बी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। सो इस टाइप के मेटल को क्या किया जाता है, जनरली प्रेफर किया जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर आपका डायोड है, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर ब्लॉक के थ्रू रिप्रेजेंट करें हम, तो यहाँ पर एक साइड हमारा क्या होगा, अ साइड इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्या है, सेमीकंडक्टर। सेकेंड साइड क्या होगा, दैट इज मेटल, ठीक है, सेकेंड साइड क्या है, मेटल है। ऐसे सिचुएशन में दोनों ही साइड क्या होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है, दैट मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? सो ये जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। जब इन्हें ज्वाइन किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये क्या होते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब चूंकि ये चार्ज कैरियर,
चार्ज करें, इन द सेंस कि इनके पास क्या है, चार्ज है और ये उसे कैरी करके मूव कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज चार्ज कैरियर। तो ये जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास सफिशिएंट एनर्जी है एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी है, तो ये क्या करते हैं मेटल की साइड मूव करते हैं। जब ये मेटल में इंटर करते हैं तो क्या होगा, ये गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, इस डायोड को हॉट कैरियर डायोड भी कहा जाता है। अब जब ये सब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब मेटल की साइड मूव करेंगे तो मेटल में तो क्या है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मेटल में क्या हो जाता है, एक बैरियर जनरेट हो जाता है, एक एनर्जी गेप जनरेट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी डिफर होगी, एज वेल एज सेमी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी क्या होगी, अलग होगी। दैट इज़ वाई मेटल साइड एक एनर्जी गेप क्रिएट हो जाता है, इस गेप को क्या कहा, शॉटकी बैरियर, ठीक है। अब इसके बैरियर के कारण एक नॉर्मल कंडीशन में अब कोई भी चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर का कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल में और मेटल का कोई भी चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में डिप्टर में नहीं जा पाता, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं होता। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। नाउ ये जो शॉटकी डायोड है, इस शॉटकी डायोड में आपका जो एन साइड है, एन साइड पर कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं, दैट मीन्स एन साइड पर कुछ होल्स भी होते हैं, पर इन होल्स की संख्या, इन होल्स की क्वांटिटी क्या होती है, इनसफिशियंट होती है, बहुत बहुत कम होती है, दैट इज़ वाई वो कंसिडरेबल नहीं होते, वो निग्लिजिबल होते हैं। आई होप आप सभी को शॉटकी डायोड क्लियर होगा। नाउ शॉटकी डायोड का अगर हम जनरल सिंबल देखें तो इससे हम इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ ये जो एरो के बाद ये जो पॉइंट है ये कुछ एस की तरह दिखता है, ठीक है। ये जो हमारा कैथोड है, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन में क्या होता था, एक वर्टिकल लाइन होती थी, वो क्या है, वो एस के लेटर, इंग्लिश लेटर एस के जैसा दिखता है, सो इट इज़ नोन एज शॉटकी डायोड। अब ये इसका एनोड होगा और ये इसका क्या होगा, कैथोड, ठीक है। इट इज़ एनोड एंड इट इज़ कैथोड। जनरली अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें तो क्या होगा, जनरली जो इसका स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एक क्या है हमारे पास, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बार होता है। इस सेमीकंडक्टर बार पर क्या होगा, यहाँ पर एक प्लेस पर मेटल कनेक्टर होगा, जो मेटल कनेक्टर क्या करेगा, वो इस पॉइंट से कनेक्ट होगा। यहाँ पर क्या है, ये आपका कैथोड, क्लियर है, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। आफ्टर दैट इसके बाद यहां पर इस प्लेस पर क्या है आपका, मेटल कनेक्ट होती है, ठीक है, दैट इज मेटल। नाउ दैट इज मेटल। नाउ इस मेटल के इस साइड पर, इस पोर्शन पर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, दैट इज समटाइम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, इट विल बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग होती है, क्लियर। सो इट इज इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। देन ये क्या है आपका, मेटल है और इट इज गोल्ड, गोल्ड ले कनेक्टर, ठीक है। इट इज गोल्ड लेप कनेक्टर, इट इज योर मेटल, एंड ये क्या है, ये ब्लू लाइन या ब्लू एरिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंसुलेटिंग मटेरियल को, दैट इज योर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज योर शॉटकी डायोड। अब इस शॉटकी डायोड को ये सारी चीजें करने से हुआ क्या, व्हाट इज द रिजल्ट। तो जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट करते हैं तो एक नॉर्मल, हमें पता है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो क्या है, दैट इज वी आई आई, ठीक है। जब हम एक नॉर्मल पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट करते हैं तो 8.7 वोल्ट आपको क्या होगा, अगर ये सिलिकॉन है तो 0.7 पर क्या मिलेगा आपको, आपका जो बैरियर है, बैरियर वोल्टेज अप्लाई करने के बाद आपका जो डायोड है वो प्रॉपरली वर्क करने लगता है, फुल्ली ऑन हो जाता है। और एट रिवर्स वाइज, अगर रिवर्स वाइज देखें तो क्या होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दैट। ये जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है इन रिवर्स वाइज, इसकी वैल्यू होती है -150 वोल्ट, इट इज वी,
ठीक है, यानी इसका इतना इतना हाई वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो उस सिचुएशन में इसका ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। पर जब हम क्या करते हैं, शॉटकी डायोड की कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं, तो इन केस ऑफ शॉटकी और हॉट कैरियर डायोड आपका जो फॉरवर्ड बायस है वो प्रीवियस के कंपैरिजन में और पहले आ जाता है, एज वेल एज रिवर्स बायस के केस में ये आपको और जल्दी क्या मिल जाता है, ऑफ मिलता है। जनरली ये जो रेंज होती है दैट इज सिंपली 50 वोल्ट, जबकि इसकी वैल्यू समथिंग नियर अबाउट 0.3 वोल्ट, अप्रॉक्सीमेट समथिंग 0.3 वोल्ट हो सकती है। अब इससे इसके कारण हुआ क्या, जैसे ही हमने इसका क्या किया, इस डायोड से इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, और एडवांस और फास्ट हुई, दैट मीन्स कि इसमें स्विचिंग जो है ऑन ऑफ होने की कंडीशन क्या हुई, बहुत फास्ट हो गई। इसके कारण क्या होगा, जब हम इस पर एसी अप्लाई करते हैं तो उस एसी सिग्नल के लिए ये बहुत स्पीडली ऑन ऑफ हो सकता है। इसका यूज़ जनरली हम स्विचिंग सर्किट में कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में इसका यूज़ किया जाता है, एज वेल एज बहुत से कम्युनिकेशन सिस्टम में हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के केस में इसका यूज़ किया जा सकता है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एज वेल एज बहुत से अदर एप्लीकेशन भी है जो कि शॉटकी डायोड के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। सो आई होप आप सभी को शॉटकी डायोड, उसके कंस्ट्रक्शन, उसका सिंबल, वर्किंग एज वेल एज उसका कैरेक्टरिस्टिक क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।